Bismillahirrahmanirrahim. The great viewer, assalamu alaikum. Good morning, good evening, good night. Whole world. ये हम इसलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया में अभी सूरज निकल रहा है, सूरज गरूब हो रहा है, सूरज दरमियान में है. लिहाजा best wishes for whole the world. बड़ी renowned saying है, health is wealth. तंदरुस्ती हज़ार नेमत है. और सबसे ज़्यादा इसी पे एम्फसाइज किया जाता है कि इंसान तंदरुस्त है तो सारी चीज़ें ठीक हैं. एक छोटी सी दर्द, एक छोटी सी तकलीफ, दांत की दर्द, कान की दर्द और फिर दिल की दर्द, वो दर्द दूसरी नहीं, वो जिसमें स्टंट पड़ते हैं. यानी आपका ये सारा दारोमदार, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये हकीमों से शुरू हुआ, होम्योपैथिक से शुरू हुआ और फिर होते होते बहुत बड़े खूबसूरत हॉस्पिटल्स तक पहुंचा. और मैं अक्सर दुनिया में कहता हूं, द ग्रेट व्यूअर्स, ये 5-6 बड़े हॉस्पिटल जो इस मुल्क को दिए, उसमें गुलाब देवी, गंगाराम, जानकी देवी एंड मैनी अदर्स, किन्होंने दिए? काफरों ने दिए, नॉन कलमागो ने, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी. हमने हस्पताल चंदे से बनाए. मांगा मुझे, बल्कि ऑफ कैमरा एक हॉस्पिटल के वीसी बता रहे थे कि कभी वो मांग के लिफ्ट लगाते हैं, कभी वो मांग के एमआरआई मशीन लगाते हैं. ऐसे ऐसे लोग हैं जो देते हैं. लेकिन गौर कीजिए कि जो काफिर थे, जो हिंदू थे, वो उन्होंने आके अरबों रुपए की प्रॉपर्टी 80 साल पहले दी. द ग्रेट व्यूअर्स, जस्ट लिसन, आज अगर पाकिस्तान में नहीं, लाहौर में गुलाब देवी की ज़मीन के ऊपर शॉपिंग मॉल बना दिए जाएं, अगर हमारे होते तो शायद बना देते. लेकिन गंगाराम का पोता जब आया और उसको पता चला कि नाम उसके दादे का चेंज करने लगे, तो वो ज़ारो कतार रोया कि हमसे और सब कुछ ले लीजिए, हमारे दादे का नाम चेंज मत कीजिए. और हम कब्रिस्तानों पे कब्जा करते हैं, हम हस्पतालों के ऊपर हंगामा करते हैं, कभी नौजवान डॉक्टर मार रहे हैं, कभी स्टाफ नर्सेज जो हैं, ये बेदारवी क्यों आ गई? आज हम इस पर बात करेंगे खुल के कि ये इमोरल वैल्यूज़ क्यों आ गई, ये बाप दादे की जो इज्जत और वकार कहाँ चली गई, ये बड़े का एहतराम कहाँ चला गया. जब मैं पढ़ता था, जब इसी हॉस्पिटल के एमएस पढ़ते थे, जब डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारी बहन पढ़ती थी, जब बड़े बड़े वाइस चांसलर प्रोफेसर असद पढ़ते थे, इज्जत था, वकार थी, एहतराम था, किधर चला गया? इस नेट ने जहाँ आपको बहुत बड़ी सहूलत दी, जहाँ इज्जत और वकार दिया, वहाँ आपको बेतौकीर भी कर दिया. तो वी प्रे, आइए हम मिलके, हम मिसालें देते हैं उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हो की, फॉलोअर्स हैं हम. हज़रत कली करम अली करमुल्ला वजहो की मिसालें देते हैं, सरदार ओलंपिया की मिसालें देते हैं, उनके फॉलोअर बनते हैं. और काम कब्रस्तानों पे कब्ज़े करना, ग्रैबिंग करना. मैं जिस जगह रहता हूँ, मॉडल टाउन लिंक रोड पे, मेरी सोसाइटी पे 37 कनाल कब्रस्तान की ज़मीन पे कब्ज़ा, जो मेरे मालिक का करम है, हमने पीछा किया और आज वो कब्रिस्तान की ज़मीन छूट गई. मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे हॉस्पिटल्स के टॉप टीम ने ऑफ कैमरा बताया कि सुबह लोग गरीब गुरबा को खाना इज्जत से डाइनिंग टेबलों पे देते हैं. यहीं रह जाना है, मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, मैं दुनिया में जाता हूँ. आप सब सुन ले, तमाम दुनिया सुन ले कि हमारे हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी दुनिया में, मैं लंदन में गया हूँ, हमारी औलाद, हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, एमरजेंसी तक पहुँचने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं, आपके टेस्ट नहीं हो सकते. और यहाँ आते हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ठोटे मारते हैं, एमरजेंसी को तोड़ते हैं, डॉक्टरों को मारते हैं, डॉक्टर नर्सों के साथ लड़ रहे हैं, नर्सें डॉक्टरों से लड़ रही हैं, उस्ताद बच्चे को पीट रहा है, बच्चा उस्ताद को, इज्जत कहाँ चली गई? आई रिक्वेस्ट यू, मैं बतौर दोस्त, बतौर बाप और बतौर इस पाकिस्तान ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, आप सबको दे दिया. क्या थे हम? अपने अपने गरीबानों में झांकें. 21 करोड़ में से करोड़ों लोग टाट पे पढ़े और फिर वो मखमल पे पहुंच गए, वो नीचे से उठे और उन्होंने वो कारपेटों पे पहुंच गए, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ. इस मुल्क का ख्याल रखिए, हस्पतालों का ख्याल रखिए. बाखुदा आप करोड़ों से अच्छे हैं, सिर्फ अपनी ज़बान ठीक कर लें, आइए इखलाक ठीक कर लें, अपने बड़ों का एहतराम करें. हमने एमएस को मारना शुरू कर दिया, बूढ़े एमएस को एक हॉस्पिटल में मारा गया, बाप को मारा गया. हमने जजों के दरवाजे तोड़ दिए, चीफ जस्टिस की अदालत का तोड़ फोड़ कर दिया. ये क्या हो रहा है? बेरारवी ख़त्म कीजिए, आइए मिलके इस पाकिस्तान को फिर बनाते हैं. तो आज आपकी मुलाकात हम करवाएंगे इस हॉस्पिटल को जला बख्शने वाले लोगों के आगे, सर सैयद की तरह झोली फैला के लिफ्टें मांगने वाले, एमआरआई मशीनें मांगने वाले,
گو آدم نے بڑا خوبصورت کہا ہے، دی گریٹ ویورز، آدم نے کیا کہا ہے ان جیسے لوگوں کے لیے، آدم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں، وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں، لوگ بھیک مانگ مانگ کر آپ کا علاج کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی بےزتی کرتے ہیں، آپ کو جس ماں نے پڑھایا، بوڑھی ماں نے پڑھایا، اس لیے پڑھایا تھا کہ جا کے اپنے سفید بارش جو شخص ہے، جو ہسپتال کا سربراہ ہے، جو کالج کا سربراہ ہے، جو پرنسپل ہے، جو کسی ادارے کا بڑا ہے، اس کے جا کے آپ بال نوچے، رک جائیے، وہ بستیاں برباد کر دی گئی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے سیلاب دیکھا ہے، جکارتا میں تہس نہس کر دیا گیا، تھائی لینڈ میں تہس نہس کر دیا گیا، اور جس امریکہ نے آپ کے بچوں کو مارا اس کی تباہی دیکھ لیجیے، روز سیلاب آتے ہیں۔ اسلام ایک بہترین مذہب ہے اور یہ مورل ویلیو سکھاتا ہے، ٹیک کیئر یور سیلف۔ تو ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اس ہاسپٹل کی ٹاپ ٹیم سے، ان سے جو یہاں کھانا دیتے ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتے بھی نہیں، ان سے ملاقات کروائیں گے جو آپ کو لفٹیں دیتی ہیں، آپ کو سہولیات دیتے ہیں، ہم ان سے ملاقات کرائیں گے۔ کیپ واچنگ ڈی این این، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملیں گے اب ہم آپ کو ایم ایس صاحب کے آفس میں، شکریہ۔